हेलो डियर, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है आप लोगों के लिए ये जो CHS है, जो 2024 में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए फ्री कोर्स जो है लॉन्च किए हैं। और आप लोग बहुत दिनों से हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर, फ्री क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पे नहीं चल रही है। तो डियर, कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण जो है क्लासेस डिले हो गई है, बट अब से जो है रेगुलर जो है आपकी क्लासेस जो है चलेगी और आप जो है अपनी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छे ढंग से यूट्यूब पे ले पाएंगे और अपना प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे लेकर जाएंगे। तो डियर, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नाउन, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह है बाबू हमारा नाउन है, जो कि ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो नाउन रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग एक अच्छे से कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उसे आपको नोट करना होगा और नोट करने के साथ साथ उसे जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तो उसे रिवीजन भी करना होगा। और वैसे आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना तो अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो डियर सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा इंग्लिश है इसमें तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि अगर नहीं भी मालूम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले ये पूरा कंप्लीट सिलेबस और जो स्ट्रेटजी का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड किया हूं उसको देख लेना चाहिए। ये इंग्लिश जो है डियर आपके 20 मार्क्स के होते हैं। कितने? 20 मार्क्स के होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हो, तो मेरा कहा मान लो कि आप अच्छा खासा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश आपको सभी लोगों को समझ में आता होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि सर इंग्लिश है और फिर मुझे इंग्लिश आती नहीं है। वो बच्चे वे होंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे, यानी कि हिंदी को हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ठीक है, तो इन लोगों को भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश ये जो है ये मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, क्या है? दोनों ही लैंग्वेज में जो है हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, टोटल आपके कितने मार्क्स एग्ज़ाम होते हैं? तो टोटल आपके 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होते हैं, ये तो आपको मालूम है। इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी नहीं होगी, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट को जो है कवर करना होगा, उसमें से एक है आपका इंग्लिश। और इंग्लिश का जो है हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो है हमारा नाउन। चलिए, इसमें हम जो है ये टॉपिक जो हमारा नाउन है इसमें कौन कौन से ऐसे जो है टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, आइए, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ओके, ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे वाई नाउन, यानी कि ठीक है वाई नाउन। सेकंड देखेंगे हम लोग डिफिनेशन ऑफ नाउन। थर्ड देखेंगे आपका इसमें, ठीक है, थर्ड देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, और फोर्थ देखेंगे हमारा अपना, चौथा जो है रूल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग PYQ देखेंगे। ठीक है, देखिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, मैं जितना पॉइंट्स इसमें कवर करूँगा उतना ही आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। क्या है? उतना ही आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में जो है उतना ही इनफ है, तो प्लीज़ इसके लिए जो है आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए वाई नाउन, आखिर मुझे नाउन की ज़रूरत क्यों है? बस थोड़ी सी अपनी जानकारी के लिए जान जाते हैं। ठीक है, एक बात मुझे आप यहाँ से कन्फर्म कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ही आगे की ओर मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अभी आपको इसको मैं सही कर देता हूँ। चलिए, हाँ, वाई नाउन यानी कि नाउन मुझे ज़रूरत क्यों है। ठीक है, नाउन की क्या ज़रूरत है आखिर हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये नाउन जो है, अगर नाउन ना रहे तो हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सॉरी सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या है, हमारा अगर नाउन ना रहे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, एक बात ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा नाउन ही होता है, नाउन के बिना जो है सेंटेंस जो है अधूरा रहता है। बाकी इस पे पूरी डिटेल चर्चाएं हम करेंगे, उतना डीप जाना आपके लिए जरूरी नहीं है, ओके। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज नाउन, ठीक है, नाउन क्या, व्हाट इज नाउन, ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, ओके ओके ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम पीछे कर ले क्योंकि ये भाई कुछ अलग ही ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए द वर्ड नाउन, ठीक है, व्हाट इज नाउन, ठीक है, नाउन, द वर्ड नाउन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड नाउन विच मींस नेम, ठीक है। ये नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है, एक क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेम, ठीक है, नाउन ही क्यों, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, नेम होता है, यहां तक तो आप क्लियर है। अब इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि नेम इसका मीनिंग कैसे होता है, लैटिन वर्ड क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चर्चा ना करें तो ही बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके डिफिनेशन की ओर। तो डिफिनेशन है इसका, ठीक है, इसका डिफिनेशन है कि द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स फीलिंग और एन आइडिया इज अ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। यहां तक तो क्लियर है आप लोग, ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड है, ये क्या है, एक जो है ये नेमिंग वर्ड है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। देखिए आपसे हम बात करें, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जब हम लोग हिंदी के पोर्शन कवर कर रहे होंगे वहां हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे, यही नाउन वहां संज्ञा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम एवं कार्य गुण अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसको हिंदी में हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम एवं कार्य गुण अवस्था को प्रकट करने वाली शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में वही, ठीक है। द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंक एनिमल्स फीलिंग और एन आइडिया इज अ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो पेन हो गया, एयर हो गया, मार्केट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है, ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा है। यानी कि आपके इस नजर के सामने जितने भी चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, नाउन है, ठीक है, क्या है, वो सभी के सभी चीजें जो है नाउन है। तो प्लीज आप जो मैं बोल रहा हूं और जो आपको आपके सामने प्रेजेंट है उसे, इन दोनों को मिलाकर ही नोट्स बनाइएगा, ना कि जो प्रेजेंट है उस चीज को देख करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसको भी प्लीज ध्यान से सुनेंगे, और इस जो मैं बोलता हूं इसमें भी बहुत सारी बातें छुपी हुई होती है, और उसे आपको ढूंढकर निकालकर नोट डाउन करना होता है अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इतना सारा मेहनत तो आप करेंगे ही, अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरे प्यारे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप पढ़ने से पहले कुछ पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। देखिए टाइप्स तो आप याद कर लोगे, मुझे मालूम है, फिर बढ़ गया ना आगे, नो प्रॉब्लम, टाइप्स तो आप पढ़ लोगे, आप टाइप्स जान लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि कितने टाइप्स होते हैं, कितने क्या। बट आइडेंटिफिकेशन, अगर बहुत सारे एक सेंटेंस दे दे और उसमें से आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोले कि इसमें से आप पहचानो कि ये नाउन कौन है इसमें से, तो फिर आप कैसे पहचान पाओगे। इसके लिए मैं बेचैन हूँ प्यारे कि मैं आपको बता दूँ कि आखिर आप कैसे पहचान पाओगे कि इसमें से कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। आगे सभी चीज़ें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करने वाले हैं, तो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो जाएगी, तब आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड होगा, खत्म होगा, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है,
कंजक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से जान रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नए सुन रहे होंगे, अधिकतर तो जान ही रहे होंगे बट थोड़ी सी उनमें निखार लानी है मुझे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रूल है हमारा कि वर्ड एंडिंग विद, यानी कि अगर कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर एंड होता है किससे, तो यहां आप प्यारे देखना कि अगर टी आई ओ एन, ठीक है, ए एन सी ई या ई एन सी ई, ठीक है, ए आर ओ आर आई एस एम, ठीक है, एम ई एन टी, ठीक है, इन सभी क्या है वर्ड्स जो है, जो आपके वर्ड हैं वो अगर इन सभी अल्फाबेट से एंड हो रहे हैं कि टी आई ओ एन से, ए एन सी से, ई एन सी ई से, या ए आर ओ आर आई एस एम, ठीक है, या फिर बात करते हैं आपकी एम ई एन टी से या वाई से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाई सी वाई ए जी ई एच ओ ओ डी, ठीक है, और एन ई डबल एस और आई टी वाई, ठीक है, एक्सेट्रा। मोटे तौर पे हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रिक या रूल समझो, जो भी आप समझो, अगर इतना अगर आप याद कर लेते हो, आपके मस्तिष्क में अगर इतने वर्ड्स जो है आपको ये याद रहते हैं, तो आप किसी भी वर्ड के एंड में जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नाउन है या क्या है, ठीक है। तो आप नाउन पहचान करने के लिए तो आप समझ गए। और एक बात बता दें कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है, ठीक है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो प्लीज़ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे समझ जाइए, ठीक है, और इसे याद करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट रूल आप समझ गए। अब बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा है आफ्टर एस्ट्रोफी एस, यानी कि एस्ट्रोफी एस जो होता है कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसके बाद अगर कोई भी वर्ड्स आपको देखने को मिले, ठीक है, कोई भी वर्ड्स आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाना क्या है, वो नाउन है, क्या है, वो नाउन है। जैसे कि ठीक है, ओके, तो ये एस्ट्रोफी एस के बाद जो भी आपको वर्ड्स देखने को मिलेगा वो सभी के सभी आपके नाउन होंगे। जैसे कि राम्स सिस्टर, राम्स सिस्टर, अब राम्स सिस्टर कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की, आप ध्यान से देखिएगा, आर, ठीक है, ए एम, ठीक है, और यहां पे एक एस्ट्रोफी एस लगा होगा, ठीक है, ठीक है, राम्स सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, ठीक है। तो ये देखो यहां तो एस्ट्रोफी एस है, और हमारा रूल यही कहता है कि जहां भी एस्ट्रोफी एस लगा हो, ठीक है, जहां भी एस्ट्रोफी एस लगा हो वहां पे आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी होगा, क्या होगा, जो भी वर्ड आपको दिखे वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, जो भी वर्ड दिखे आपको वह क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे बट आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको एक ही एग्जांपल लेकर बताया हूं, ठीक है, आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है टाइपिंग में, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे है थर्ड आफ्टर, ओहो एक मिनट हो गया, चलो आफ्टर एन एग्जेक्टिव, ठीक है, आफ्टर एन एग्जेक्टिव, यानी कि हमारा थर्ड रूल है, ठीक है, हमारा थर्ड रूल कहता है, सब ये आइडेंटिफिकेशन मैं बता रहा हूं, क्या है ये थर्ड रूल कहेगा कि आफ्टर एन एग्जेक्टिव, यानी कि एग्जेक्टिव के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, एग्जेक्टिव के बाद अगर,
जो भी वर्ड आपको दिखे वो समझ लेना क्या है, वो क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले एग्जेक्टिव आता है। क्या आता है? नाउन से पहले एग्जेक्टिव आता है, ठीक है, और एग्जेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये एग्जेक्टिव आर्टिकल्स क्या है, तो देखो ए, ठीक है, एन, ठीक है, और ये द जो है क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ये जो है हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है, और इसके बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो ये एक जो है क्या फॉर्मेट बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है, एक फॉर्मेट बनता है। तो आफ्टर एग्जेक्टिव अगर ना आए कोई भी वर्ड तो आप पहचान सकते हो कि ये नाउन है। अगर नाउन पहचान में आ गया और अगर आपसे एग्जेक्टिव पूछे तो बिफोर आता है नाउन से, बिफोर यानी कि नाउन से पहले अगर कोई भी वर्ड दिखे तो थोड़ी सी तो यहां कंफ्यूजन है कि यहां पे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे एग्जेक्टिव। तो जब एग्जेक्टिव और आर्टिकल्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे तो फिर वहां पे इन रूलों को मैं एप्लीमेंट करके आपको इन तीनों को मैं एंड में समझा दूंगा कि कैसे किसको आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। बट यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं नाउन का तो सिर्फ यहां पे नाउन टॉपिक जो है इस पे ही हम लोग डिबेट करें, इसी पे हम लोग बात करें तो बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए सुनिए, तो एक बात बताते हैं आपको नेक्स्ट, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। और फिफ्थ रूल है हमारा कि आफ्टर फोर देखना है ना, इसके बाद फोर रूल है हमारा आफ्टर एन आर्टिकल्स। यहां पे यही मिस्टेक हुआ है कि यहां पे आफ्टर एन आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, आर्टिकल्स, ठीक है, क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे। आप थोड़ी सी इसको सही कर लेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स, ठीक है, ठीक है, यहां पे आर्टिकल्स होंगे, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा और आप लिख लीजिए। बाकी मैं जो बोल रहा हूं इस पे थोड़ा विशेष करके ध्यान रखेंगे बस आज भर के लिए। नेक्स्ट डे आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि पीपीटी जो है कुछ उसमें कुछ ग्लिच हो, इरर हो, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बात करेंगे यहां पे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और एंड में अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आफ्टर आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल के बाद अगर आता है कोई वर्ड तो वो नाउन कहलाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं यहां पे एग्जांपल्स देकर। देखिए ये तीनों का एग्जांपल मैं दिया यहां पे, ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाइव नंबर, और फाइव नंबर रूल हमारा कहता है, फाइव नंबर रूल है कि आफ्टर यानी कि देखिए कि आफ्टर है, ठीक है, यहां पे आफ्टर ये सम, अ लॉट ऑफ, मेनी, मच और एनी नंबर और एनी डिजिट, ठीक है, यानी कि इन सब चीजों को इसके बाद, सॉरी इन सब चीजों को नहीं, इसके बाद अगर कोई भी वर्ड देखने को आपको मिलता है, ठीक है, क्या है, अगर कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलता है किसके बाद, सम के बाद, आफ्टर सम के बाद, या आफ्टर अलॉट ऑफ के बाद देखने को मिलता है, मैनी के बाद मिलता है, मच के बाद अगर मिलता है, एनी नंबर या डिजिट के बाद अगर मिलता है कोई भी ऐसा वर्ड, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना, आप पहचान लेना कि वह क्या है, वह एक क्या है, वह नाउन है, क्या है, वह है नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो छह नंबर है आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये एंड होगा, ये लास्ट होगा। आफ्टर प्रीपोजिशन जो होता है क्या होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन हमारा क्या आता है, नाउन आता है। अब प्रीपोजिशन क्या है तो इसमें हम आपको बताएं तो थोड़ी सी टाइम लगेगी, बट आप यहां तक जान लो कि आफ्टर प्रीपोजिशन जो भी वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जब प्रीपोजिशन भी हमें पढ़ना है, जब हम लोग कवर करेंगे तो आपको उस टाइम समझ में आएगा, तो फिर मैं वहां उस टाइम पूरे चीजों को कंबाइंड करके आपके सामने रखूंगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी इन सभी चीजों की आप प्रैक्टिस तो मैं क्लासेस में कराऊंगा,
PYQ कराऊंगा, तो वहां पे जब सिलेबस कवर होते जाएंगे और मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर आपको समझ में आने लगेंगे वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन के लिए थोड़ी सी हम यहाँ पे आपको बता दें कि कलर चेंजिंग करेंगे ताकि मुझे दिखाई दे यहाँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन है, ठीक है। यानी कि नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है हमारा मटेरियल, और फिफ्थ है हमारा अवस्ट्रेक नाउन। ये पांच टाइप होते हैं किसके? नाउन के, ठीक है। किसके टाइप हैं? ये नाउन के टाइप हैं। यानी कि हम बात करें तो ये नाउन के क्या है? सन है। क्या है? नाउन के सन है। कितने? पांच सन है, ठीक है, याद रखना। कितने पुत्र हैं? पांच बेटे हैं। किसके? नाउन के। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन और अबस्ट्रेक नाउन। थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर नाउन को। क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग अब शुरू कर रहे हैं प्रॉपर नाउन को देखना, ओके। चलिए एक मिनट, एक मिनट, ये आगा क्यों जा रहा है भाई? ऑटोमेटिकली ही अपने आप यार बढ़ते चला जा रहा है ये। चलो क्या देखेंगे? प्रॉपर नाउन देखेंगे यहाँ पे। अब देखो ये प्रॉपर जो मैं बार बार रट रहा हूं, आप इससे कुछ फील कर रहे हो क्या? देखो प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हम लोग संज्ञा जब हिंदी पोर्शन कवर कर रहे होंगे वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन समझ रहे हो ना? कॉमन, जैसे कि अगर हम लोग 2x प्लस 2y लेते हैं इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 करते, सॉरी इज इक्वल टू, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में जब कॉमन नाउन पे आता हूँ। तो फिर देखिए थर्ड हम लोगों ने देखा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। फोर हम लोगों ने देखा मटेरियल नाउन, और मटेरियल से ही आपको फील आ रहा होगा कि कुछ पदार्थ की बातें कही जा रही है, तो मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होता है। और अवस्ट्रेक नाउन, अवस्ट्रेक क्या होता है? भावना, भावना, भाववाचक, यानी कि गुणवाचक होता है अवस्ट्रेक मतलब, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसकी मीनिंग में। अब बात करते हैं इस प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर समझते हो ना? आपसे कोई पूछता है कि बाबू आपका घर कहाँ है, तो अगर आप कहीं शहर में आके बसे हो तो कहोगे कि मैं तो रहता हूँ दिल्ली, बट मेरा प्रॉपर जो गांव है, मेरा प्रॉपर जो घर है वह है हमारा, अगर तुम कहीं भी बता सकते हो, तुम बता दो कि मैं इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज जो है हमारा प्रॉपर घर है। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी कि खुद का जो हमारा होता है, अपना पर्सनली जो होता है, किसी एक पर्सन का उससे बोध होता हो, किसी एक जगह का, किसी एक प्लेस का बोध हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि पढ़ो इंग्लिश में, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, ठीक है, पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी किसी भी पार्टिकुलर पर्सन की बात कही जा रही हो, या किसी भी पार्टिकुलर प्लेस की, या पार्टिकुलर थिंग्स, इन सभी चीजों को अगर पार्टिकुलरली बात की जा रही हो तो वह हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति या प्राणी, जैसे कि हम और आप हैं। थिंग मतलब होता है वस्तु। क्या है? होता है थिंग मतलब होता है वस्तु, और प्लेस मतलब होता है स्थान। जैसे कि बाबू यहां पे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो एग्जांपल है हमारा कि सुमो इज अ माय फ्रेंड। क्या है? सुमो इज माय फ्रेंड। अब डियर यहां पे जो सुमो है वो क्या है मुझे बताओ? यहां पे ये जो सुमो है ये क्या है? ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है जो सुमो दिख रहा है, दिख रही है, ठीक है। एक मिनट, चलो
ये जो सुमो दिख रही है ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कैसे? अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कोई फ्रेंड है, वो हमारा जो कोई फ्रेंड है वो सुमो है, तो सुमो मैं किसी एक को डेडिकेट कर रहा हूं ना, कि पूरे लड़कियों को, ठीक है, किसी पूरे पर्सन को तो मैं नहीं ना डेडिकेट कर रहा हूँ, किसी एक पर्सन को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो पार्टिकुलर, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, उसको डिनोट कर रहा हूँ कि वही मेरा जो है फ्रेंड है, ठीक है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ भी बोलूँ तो मैं उसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पर्सन जो पार्टिकुलर हो ना, उसी को प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो हमारा हो, ठीक है, अपना मतलब प्रॉपर मतलब फील होता है ना, समझ रहे हो ना, मैं जो कह रहा हूं ना, इस शब्द को समझने की, फील करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का जो है कैपिटल कौन है, कहाँ है, पटना है। अब देखो यहाँ पे पटना और ये जो बिहार, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो आपके नाउन नहीं दिख रहे। तो एक बात बताओ, ये जो दोनों हैं, मैं अगर पटना कह रहा हूं तो क्या बताओ, तुम दिल्ली समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे ना कभी। तुम पटना से क्या फील करोगे, ये बिहार वाली पटना, ठीक है। अब जो मैं पटना पटना रट रहा हूं, उसको कुछ और मत समझना, ये पटना एक शहर की नाम है जिसको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप किसे फील कर रहे हो, क्या प्रयागराज को फील कर रहे हो, कभी नहीं। बनारस फील आ रहा है, या बनारस आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, नहीं। एक पार्टिकुलर आपको दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि हाँ भाई पटना है जो बिहार की राजधानी है, बिहार में ये एक शहर है जो बहुत बड़ी शहर है, ठीक है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो यही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर किसी शहर की नाम आ रही है। अगर मैं कहता कोई सिटी इज द कैपिटल ऑफ बिहार, अब बताओ यहां पे, अब मैं किसी एक पार्टिकुलर सिटी का नाम ले रहा हूं क्या, मैं किसी भी पार्टिकुलर एक, किसी भी एक शहर का नाम ले रहा हूं यहां पे, तो आप कैसे यहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी जगह की बात हो रही है, कौन सी शहर की बात हो रही है, कौन सी सिटी की बात हो रही है। तो वहां पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये तो आप नहीं समझ पाओगे, कि तब आप कहोगे ना कि भाई ठीक है, कोई ना कोई सिटी ही ना होगा बिहार की राजधानी, तो भाई पार्टिकुलर प्रॉपर तो बताओ उसका नाम क्या है। अब मेरे बातों को समझना, आप कहोगे ना कि प्रॉपर उसका नाम तो बताओ, कि उसका नाम क्या है, उस सिटी का नाम क्या है, उस शहर का नाम क्या है, पार्टिकुलर नाम तो बताओ भाई, उस प्रॉपर उस जगह का नाम बता दो यार, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ हाँ ये है। तो यही मैं आपके मस्तिष्क में बैठाने का पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्यारे समझ लो, ठीक है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले एक बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर से, प्रॉपर के बाद हम लोग आगे डायरेक्ट यहाँ। तो प्रॉपर से पहले थोड़ी सी यहाँ जानकारी ले लो, एक मिनट रुक जाओ तुम, यहाँ हम कॉमन नाउन की, ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ जो है आपका ये कॉमन नाउन आपको जो दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये लो, ये जो कॉमन नाउन है आपका, अब इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं, चलो एक बात प्रॉपर नाउन से रिलेटेड ये भी याद कर लेना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि इंडिया लिखना हो तो आई बड़ी होनी चाहिए, संडे लिखना हो तो एस बड़ा होना चाहिए, फरवरी लिखना हो तो एफ बड़ा होना चाहिए, सुमो लिखना है तो एस बड़ा होना चाहिए, पूजा लिखना है तो पी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यदि एक से अधिक वर्ड आए तो अगर बात करते हैं प्रॉपर नाउन में कि एक से अधिक वर्ड आए तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, याद रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं सूरज कुमार, तो एस भी बड़े होने चाहिए, कुमार भी बड़े होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं पूजा शर्मा, तो पी भी बड़े होने चाहिए, एस भी बड़े होने चाहिए। मैं जैसे बात करूं अविनाश कुमार, तो ए भी बड़े होने चाहिए, के भी बड़े होने चाहिए। ये आप प्रॉपर नाउन में ये जरूर याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं बात कर रहा था कॉमन नाउन की, यानी कि जाति
वाचक संज्ञा। देखिए, जिसमें एक जाति या वर्ग के व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध होता हो, यानी कि जिसमें एक जाति, यानी कि कुछ भी एक बार बोल दो उसमें लोग समझ जाए कि ये पूरी समूह की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि आपको, आप जाओगे कहीं कहीं पे तो यूनिटी बनाई रहती है, ए यूनिटी, एस यूनिटी, बी यूनिटी, उसमें 10-20 लोगों रहते हैं, लोग रहते हैं उस यूनिटी में। अगर उसका कमांडो चिल्लाता है कि एस यूनिटी, तो कहता है यस सर। उसमें एस यूनिटी में जितने भी बंदे रहते हैं, जितने भी पर्सन रहते हैं, वो सभी अटेंशन हो जाते हैं कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब बताओ अगर किसी जगह पे 50 लोग हैं तो 50 लोगों को आप पार्टिकुलर नाम लेकर बुलाना कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितने टाइम वेस्ट होंगे। तो इसलिए उसमें एक यूनिटी बना दी जाती है, 10-10 लोगों की 5 यूनिटी। जैसे कि ए यूनिटी में 10 लोग, बी यूनिटी में 10 लोग, सी यूनिटी में 10 लोग, डी यूनिटी में 10 लोग और ई यूनिटी में 10 लोग। अब मैं आपसे बात करूं बाबू यहां पे कि अगर कहा जाए कि ए यूनिटी, तो उसमें 10 लोग, जितने भी 10 के 10 रहेंगे उनका तो नाम लेना नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो 10 के 10 ये समझ रहे हैं, उनके मस्तिष्क में ये फील हो रहा है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। बाकी 40 लोगों को तो फील नहीं हो रहा है, बी सी डी और ई वालों को, वो अपने जो काम कर रहे हैं वो करेंगे। तो ये यूनिटी हम लोग बनाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन, ठीक है। यानी कि आप जैसे कि आप देखो ना कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग मैथमेटिक्स में कवर करेंगे। बाकी मैं यहां पे थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ क्लास। यानी कि जैसे मैं बात करूं, जैसे कि इसके प्रीवियस मैं बात किया था, यहां पे देखोगे आप कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये तो आपको पटना से प्रॉपर फील हो रहा है कि हाँ ये कोई सिटी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहीं पे तो मैं बात कर रहा था बाबू आपसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये पटना के जगह पे मैं यहां पे, छोड़ो यहां पे मैं सिटी लिखता हूं, क्या है, क्या लिखता हूं, सिटी लिखता हूं, एस आई टी वाई सिटी, ठीक है, एस आई यहां पे टी वाई सिटी लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं, सिटी लिखता हूं, सिटी इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये देखो कॉमन है कि नहीं है, अब पूरे सिटी का यहां पे बोध हो रहा है, पूरे जगहों का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो, यहां से आप क्या समझ रहे हो, पूरे सिटी का जब बोध हो रहा है तो आप समझोगे ना कि कॉमन बातें हो रही है, कॉमन सी बात हो रही है, चलो ठीक है, ठीक है, क्या है, कॉमन बातें हो रही है। तो ये है कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं बुक, अब आप तो नहीं बुक, तो आप कहोगे अगर आपको प्रॉपर नाउन समझना है तो आप कहोगे अरे भाई बता तो दो कि कौन सी बुक लानी है, प्रॉपर तो बताओ कि हिस्ट्री का लाऊं या पॉलिटी लाऊं या ज्योग्राफी का लाऊं या मैथमेटिक्स को लेकर आऊं, प्रॉपर तो नाम बताओ कि कौन सी बुक लेकर आनी है। अगर वो कहे कि नहीं 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 तुम बुक ही लेकर आओ, तो क्या करोगे, जितना तुम्हारे पास होगा वो उठाकर लाकर रख दोगे, कि लो मैं बुक लाकर रख दिया, अब तुम समझो, यही ना करोगे, बताओ ये करोगे कि नहीं करोगे। तो ये होता है कॉमन। जैसे कि मैं बात करूं काऊ, ठीक है, तो मैं पूरे गाय की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं डॉग, ये पूरे कुत्ते की बात हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं टीचर, तो मैं टीचर बात करूं तो एज ए इसमें पूरे टीचर कवर हो जाएंगे। अब मैं किसी पर्सन का नाम लेकर कहूं, क्योंकि टीचर्स तो बहुत हैं, अगर किसी को पर्सन किसी नाम से मैं डेडिकेट करूं कि फलाने टीचर फलाने सर, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला गया। और मैं डायरेक्ट कहूं कि वो टीचर जो है ना मैथ वाले बहुत मस्त पढ़ाते हैं यार, क्या बताएं, इतने अच्छे पढ़ाते हैं ना कि जी करता है मैं इतना पढ़ूं। फिर कोई पूछेगा ठीक है मैथ वाले टीचर कौन टीचर भाई बता तो दो, तो आप कहोगे ये नाम बताओगे तो चला जाएगा प्रॉपर में, और कहोगे टीचर तो ये आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में। अब बात आती है न्यूज़पेपर, क्या है न्यूज़पेपर की, मैं यहां से जो भी बोल रहा हूं उसे फील करना, मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं यहां पीपीटी पे प्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं फ्री में लेक्चर यहां पे आकर बक रहा हूं, बके जा रहा हूं, ठीक है। जब आप कॉलेज में आओगे ना तो
तब आपको फील होगा कि यहाँ पे ये पीपीटी वाला मसला नहीं चलता कि आपको हर एक चीज लिखे प्रोफेसर लेक्चर जो है वो आपको जितना भी लेक्चर होगा वो डिलीवर करेगा, आप खुद नोट डाउन करना सीखो। तो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ और कुछ चीजें आपको नोट डाउन करने को सिखा रहा हूँ, तो प्लीज आप जरूर सीखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। अब देखो न्यूज़पेपर तो बहुत आता है, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो मैं पार्टिकुलर प्रॉपर किसी न्यूज़पेपर का नाम लूं कि मुझे द हिंदू पढ़ना है, भाई मुझे द हिंदू लाकर दो, तो चलो कि वो द हिंदू चला गया आपके प्रॉपर नाउन में, और मैं कहूं कि पापा मुझे पेपर पढ़ना है या भैया मुझे पेपर पढ़ना है, मुझे पेपर ला कर दो, तो हमारे भैया जो हैं वो कौन से पेपर ला कर देंगे बताइए, कौन से न्यूज़पेपर ला कर देंगे मुझे, कौन से न्यूज़पेपर ला कर देंगे, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही चला जाएगा आपका कहां पे, आपका चला जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है प्यारे। अब यहां तक कंप्लीट हुआ तो चलो, मुझे उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन वर्सेस जो है कॉमन नाउन। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे और यहां पे, ओहो अब नहीं होगा, यहां पे ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है। और अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाए होंगे तो मैं उसी टाइम से इसी चीज पे डिबेट कर रहा हूं, इसी चीज पे बके जा रहा हूं कि नाउन और प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस बता रहा था, कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस बता रहा था कि कॉमन क्या है और डिफरेंस प्रॉपर क्या है। जैसे कि इंडिया इज अ कंट्री, क्या है, इंडिया इज अ कंट्री, ओके एक मिनट रुक जाइए थोड़ी सी यहां से। चलिए, इंडिया इज अ कंट्री, अब बताओ इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। जनवरी इज अ मंथ, एक मिनट, जनवरी इज अ मंथ, ठीक है। तो देखिए, ये इंडिया इज ए कंट्री है, तो आपको मालूम है कि हाँ इंडिया जो है एक कंट्री है, ठीक है। और जनवरी इज अ मंथ, यहां पे दोनों आपको एक जैसा फील हो रहा है, जनवरी जो है एक मंथ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस दो टॉपिक को जो मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, ये इंडिया इज अ कंट्री, मैं तो इतना बकबक किया कि आपको समझाया और दोनों में डिफरेंस भी बताया पहचानने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक मुझे जरूर बताएंगे कि इन दोनों में कौन से कॉमन होंगे कौन से प्रॉपर होंगे, ठीक है। चलिए, कौन से कॉमन होंगे कौन से प्रॉपर होंगे आपको बताने हैं, ठीक है। बट यहां पे कुछ चीजें अब मैं आगे बढ़ चुका हूं तो इसलिए मैं बैक हो रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम लोग यहां तक देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आगे कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, यानी कि समूह वाचक संज्ञा। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन इज, ठीक है, डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स पीपल और एनिमल्स, यानी कि एक समान व्यक्ति या वस्तु के समूह को जो है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब हम आपको बार बार यहां कह रहे हैं कि बाबू आप जो है थोड़ा सा मेरे बोले हुए बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा चीज। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये देखिए, ये वाला हमारा रहा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसे एक मिनट हो जाइए, ठीक है।
ये तो और पतला दिख रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन। चलिए सुनिए, अब देखिए कलेक्टिव नाउन की बात करें तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से आप समझेंगे आर्मी। ठीक है, अब आर्मी की बात करें तो जितने भी आर्मी फोर्स हैं उन सभी का जो है बोध होता है यहाँ पे। ठीक है, टीम की बात करें तो उस टीम में जितने भी मेंबर रहेंगे उन सभी का यहाँ पे बोध होता है। फैमिली की बात करें तो उस फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे उन सभी का बात हो रहा है यहाँ पे। क्राउड, जैसे कि भीड़ लगती है कहीं कहीं, तो उस भीड़ में जितने भी लोग होंगे उन सभी का बोध होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल में अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, अब चलो, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मेटेरियल नाउन पे। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा है मेटेरियल नाउन, ठीक है, जो फोर्थ नंबर है। ठीक है, ठीक है, अब चलो देखो ये सारी चीजें आपको, देखो अब आप ये सारी चीजें लिख करके याद करो कि कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन लिखो, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन लिखो, कॉमन नाउन का डिफिनेशन लिखो, तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप इसका डिफिनेशन लिखो। ठीक है, बस लॉजिक समझो और उसे अपने मस्तिष्क में बैठाओ और उसके बाद उसे आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो आप जो है CHS का एग्जाम दोगे, अब उस एग्जाम में तो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे तो आपसे पूछेगा नहीं कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। अब डायरेक्ट वो देगा आपको एग्जाम्पल्स और उसमें से आपको पूछ लेगा कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है बता दो, वह देगा एग्जाम्पल, उसमें पूछेगा कि कॉमन नाउन क्या है ये बता दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, ये जो हमारे क्या है कंपिटिटिव एग्जाम जो है ऐसे जो है आपको क्वालिफाई करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटेरियल नाउन, यानी कि मेटेरियल नाउन की बात करें तो अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर, ठीक है, और सबस्ट्रेट, ठीक है, और विच थिंग आर मेड, ठीक है, यानी कि किसी धातु मेटल को, ठीक है, या द्रव लिक्विड जो होता है का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखो मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में, जब हिंदी टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पे भी हमको पदार्थ, ये जो पदार्थवाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है इसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मटेरियल जो नाउन है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, या धातु के रूप में होता है, तो इसे हम लोग तो काउंट नहीं कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, इसे या तो मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि द टेबल इज अ मेड ऑफ वुड, यानी कि ये जो वुड है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हम प्रैक्टिस सेट में दे देंगे और आपको क्लासेस के माध्यम से वहाँ यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि कैसे क्या करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अवस्ट्रेक नाउन, यानी कि भाववाचक या गुणवाचक, ठीक है, सॉरी, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा, यानी कि देखिए अवस्ट्रेक नाउन इज द नेम यूज फॉर स्टेट एक्शन और क्वालिटी। ठीक है, यानी कि स्टेट मतलब होता है अवस्था, एक्शन मतलब होता है क्रिया, और क्वालिटी मतलब होता है गुण, यानी कि जो किसी गुण, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराता है उसे अवस्ट्रेक कहते हैं। यानी कि आपके अंदर जो भी फीलिंग आती है, ठीक है, कोई मार दे आपको और जो वो चोट की फील होता है वो भी क्या है, अवस्ट्रेक नाउन है। जो भी आपकी फीलिंग होती है ना, एक्शन, ठीक है, क्रिया, अगर आपके ऊपर अगर कोई मार रहा है तो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वह क्रिया कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर, और मारा आपके ऊपर हो गया क्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है अब्स्ट्रेक्ट नाउन। जैसे कि क्वालिटी की बात करें गुण में, तो हॉनेस्टी होता है, गुडनेस होता है, ठीक है, ये सभी आपके अंदर की क्वालिटी है जो फील किए जा सकते हैं आपके और हमारे सभी लोगों की। एक्शन की बात करें तो जैसे कि हंसना हो गया, जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्शन है। ठीक है, और बात करें अवस्था की तो डेथ, चाइल्डहुड, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, ये अवस्था है, एक स्टेज है जिसे हम लोग फील करते हैं और इससे सभी को गुजरना है। ठीक है,
तो ये सब के सब आपके क्या हैं, अबस्ट्रेक नाउन हो गए। ठीक है, अब चलिए, अबस्ट्रेक नाउन तो आपने देखा, ठीक है, अबस्ट्रेक नाउन जो है इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे फिजिकल टच नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है सामान्यतः सिंगुलर रूप में किया जाता है। किसका? अबस्ट्रेक नाउन अगर आपको कहीं पे भी दिखे और वहां पे अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो, अगर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिसको सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो आप नाउन्स के, नाउन के थ्रू जो है आगे बढ़ सकते हो सिंगुलर और प्लूरल में। बाकी पूरी रोज जो है मैं सिंगुलर और प्लूरल जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दूंगा, बाकी अभी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल में अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार देखना कि वो अबस्ट्रेक नाउन है कि क्या है। अगर अबस्ट्रेक नाउन है तो वहां से कंफर्म हो जाना कि ये सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, एक बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी हमारे लैंग्वेज हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सभी के सभी क्या हैं, अबस्ट्रेक नाउन है। ठीक है, साइंस, आर्ट्स जो है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, पेंटिंग, ये सभी क्या है, हमारे अबस्ट्रेक नाउन है, क्योंकि इसे हम फील करते हैं। ठीक है, जस्ट ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां होती हैं, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, बुखार हो गया, फीवर, ये सभी के सभी क्या है, अबस्ट्रेक नाउन है। ठीक है, ये सभी क्या है, अबस्ट्रेक नाउन है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो यहां तक तो आपको समझ में आया, अब बात करते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग तो कवर करेंगे, पहले इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, छोटी सी जानकारी वो ये है कि देखिए नाउन जो है ये मॉडर्न तरीके से जो इसको डिवाइड किया गया है वो दो तरीके से किया गया है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या है, काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल नाउन, कितने तरीके से, दो तरीके से इसको बांटा गया है मॉडर्न। काउंटेबल में आपका है, आता है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में आता है मटेरियल और अबस्ट्रेक। बस इतनी जान गए, बहुत है, इनफ है आपके लिए। ठीक है, काउंटेबल जो होता है जिसकी गणना करते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये दोनों में होता है काउंटेबल नाउन। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल में नहीं होता है, जब होता है वो सिंगुलर में ही होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अबस्ट्रेक नाउन की जो भी अवस्थाएं होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट नोट पे। ठीक है, देखिए कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग जो होता है सिंगुलर में होता है, जैसे कि ये फिजिक्स हो गया, ये किसमें आपको देखने को दिखेगा कि ये क्या है, प्लूरल है लेकिन है इसका प्रयोग सिंगुलर में। इकोनॉमिक्स हो गया, यह भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, न्यूज, ठीक है, इनिंग्स, ठीक है, ये सारे के सारे चीज, लैटिक्स, ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं आपके क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स, ये सभी के सभी क्या हैं आपके, देखने को तो दिखेगा कि ये प्लूरल है लेकिन होते ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस सभी चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी और है जिसको मैं अभी आपको कवर करा दूँ। ठीक है, उसके बाद जो है, एक मिनट, चलो यहां, ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है जिनका एस हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि आप बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, सूज जो होता है उसको आप एस हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते, वो हमेशा प्लूरल ही होता है।
बाकी जो भी चीज़ें बची है उसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है डाल दूंगा। आप जो है क्या करेंगे, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिलेगी प्रैक्टिस के तौर पे उसे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको यहाँ तो बताऊंगा ही, और आपको क्लासेस में आपको ना क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कैसे प्रैक्टिस होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है? उन सभी चीज़ों के लिए जो है आपको मैं बता चुका हूँ। आप अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसकी प्रीवियस वाले लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट। Thank you.